मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और पार्ट तीन, और पार्ट का नाम है संधि। अब इसमें हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल होता है और व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों का जो मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है यानी उसमें जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। राजेंद्र और सुरेश भाई हैं और इस वाक्य में आए राजेंद्र और सुरेश शब्द संधि द्वारा बने शब्द हैं। राजा प्लस इंद्र से राजेंद्र शब्द बना, आ प्लस ई से ए बना और सुर प्लस ईस से सुरेश शब्द बना, ए प्लस ई से ए बना। यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है और राजेंद्र और सुरेश शब्दों का संधि विच्छेद राजेंद्र से राजा प्लस इंद्र बना। यानी राजा प्लस इंद्र से राजेंद्र शब्द बना और सुर प्लस ई से सुरेश शब्द बना। और संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि में की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि दो स्वरों के जो मिलने से होने वाला जो विकार है या परिवर्तन है वो स्वर संधि कहलाता है। यानी जो दो स्वर हैं आपस में मिलकर के जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन होता है उनको मिला करके उसे स्वर संधि कहते हैं। जिस तरह से जैसे पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकालय शब्द बन गया और इसके इसमें कै प्लस ए से ए और स्वर और आलय के आ स्वर में संधि हुई है और यहाँ ए प्लस आ के मेल से आ हो गया है। और संधि स्वर संधि के भेद स्वर संधि के पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार की है स्वर संधि। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि और तीसरी यण संधि और चौथी है अयादि संधि। दीर्घ संधि में जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ए ई उ के बाद में क्रमशः ह्रस्व तथा यानी दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों के जो मेल से जो क्रमशः आ और ई और उ हो जाते हैं, जैसे यानी दीर्घ हो गया बड़ा शब्द बन गया यानी छोटे से मात्रा लग के, पहला है जैसे जिस प्रकार हमने ये संधि करके शब्द बनाए हैं, नियम प्लस अनुसार यानी नियमानुसार और इसमें प्रधान प्लस आचार प्रधानाचार्य शब्द बन गया, विद्या प्लस अर्थी से विद्यार्थी शब्द बना और विद्या प्लस आलय से विद्यालय शब्द बना। इसमें नियमानुसार में ए प्लस ए बराबर आ बन गया और ए प्लस आ से आ बन गया और आ प्लस ए से आ बन गया और आ प्लस आ से आ शब्द बना। और दूसरे में रवि प्लस इंद्र से रविंद्र और ई प्लस ई का मेल है ई हो गया इसमें, और मुनि प्लस ई से मुनि शब्द बन गया, इसमें भी ई और ई से बड़ी ई हो गया बन गई, और सचि प्लस इंद्र से सचिंद्र शब्द बन गया, ई प्लस बराबर ई और नदी प्लस ईस नदीश जिस नदी शब्द बन गया और ई प्लस ई से बड़ी ई बन गई। और तीसरा है गुरु प्लस उपदेश से गुरुपदेश शब्द बन गया और सिंधु प्लस उर्मी से सिद्धूर्मी शब्द बन गया, इसमें आ और उ से उ हो गया, बधु प्लस उत्सव से बधुत्सव हो गया यानी बड़ा उ प्लस छोटा उ से बड़ा उ हो गया बधु यानी इसमें बड़े उ की मात्रा आ गई, बधु प्लस ऊर्जा बधुर्जा शब्द बन गया, उ प्लस उ यानी दोनों बड़े उ से उ बना। आगे गुण संधि, गुण संधि में ए प्लस नहीं ए आ का जो मेल है वो ई और ई उ
री से होने पर ये क्रमशः ए ओ अर में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी इन शब्द इन वर्णों से ए अरे और नहीं ए ओ और अर में इनका परिवर्तन हो जाता है मिलान से। जिस तरह से देव प्लस इंद्र से देवेंद्र शब्द बन गया, जैसे ए प्लस ई से ए बन गया, और दिन प्लस ई से दिनेश शब्द बन गया, जैसे ए और ई से ए बन गया, और महा प्लस इंद्र से महेंद्र शब्द बन गया, आ प्लस ई से ए बना, और रमा प्लस ई से रमेश शब्द बन गया, आ और ई से ए बना, और पर उपकार पर प्लस उपकार से परोपकार शब्द बन गया, ए और ऊ से ओ बन गया, नव प्लस उड़ा से नवोड़ा शब्द बन गया, और ए और ऊ का मेल होके ओ हो गया, और महा प्लस उत्सव से महोत्सव शब्द बन गया, और आ और ऊ के मेल से ओ हो गया, सप्त प्लस ऋषि से सप्तर्षि शब्द बना, और ए प्लस री से अर शब्द बन गया, अर बना, और महा प्लस ऋषि से महर्षि शब्द बन गया, आ प्लस री बराबर अर शब्द बन गया। अब आगे नीचे वृद्धि संधि, गए ए आ का जो मेल है ए और ए का से जो होने पर, ये दोनों ए तथा ओ और औ से होने पर ये दोनों औ में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी इनका परिवर्तन औ में हो जाता है। जैसे इस प्रकार है ये शब्द बनाए हैं इससे कि एक प्लस एक एकक हो गया, जैसे ए ए और ए से ए बन गया, यानी बड़ी ए हो गई, सदा प्लस ए से सदैव शब्द बना, यानी इस पर बड़ी ए की मात्रा आ गई, आ से ए प्लस ए से ए हो गया, और मत प्लस ऐक्य से मतैक्य हो गया, इसमें भी ए और ए से बड़ी ए हो गई, और वन प्लस औषधि से वनौषधि हो गई, यानी ए और ओ से औ शब्द बन गया, महा प्लस ओजस्वी से महोजस्वी शब्द बना, तो आ प्लस ओ को मिला करके औ हो गया, और परम प्लस औषध से परमौषध शब्द बन गया, और ए और ओ औ के साथ औ बन गया, महा प्लस औषध से महोषध शब्द बन गया, और आ और ओ से ओ हो गया, और यण संधि, यण संधि में ई ई उ री का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर ई ई या ये और उ रे और री से रे में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो ई है वो यह हो जाती है, और उ है वो वह हो जाता है, और जो री है वो रे हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है इसमें यण संधि में। जिस तरह से यदि प्लस अपि से यद्यपि हो गया, यानी इसमें नीचे रे लग गया, ई प्लस ए प्लस ये यानी यह आ गया इसमें, इति प्लस आदि से इत्यादि हो गया, ई प्लस आ से या शब्द बन गया, और अभी प्लस उदय से अभ्युदय यानी ई ऊ और यू हो गया, और वी प्लस ऊह से व्यूह शब्द बन गया, ई प्लस ऊ से यू हो गया, और प्रति प्लस एक से प्रत्येक शब्द बन गया, और ई प्लस ए से ये शब्द बना, और सु प्लस अच्छ से स्वच्छ शब्द बन गया, और ऊ प्लस ए से वह बना, और सु प्लस आगत से स्वागत शब्द बना, और ऊ प्लस आ से व बन गया, और अनु ऐषण अनु प्लस ऐषण से अन्वेषण शब्द बन गया, जिस तरह से ऊ और ए के मिलान से वे हो गया, मात्र प्लस आज्ञा से मात्राज्ञा शब्द बन गया, जिस तरह से री और प्लस आ का मेल से रा हो गया, और अयादि संधि, अयादि संधि में ए और ए ओ औ का मेल किसी स्वर से होने पर, यानी स्वर के जो शब्द हैं वर्ण हैं उनसे होने पर ए प्लस अय यानी ए से अय और ए से आय और ओ से अव तथा ओ औ से आव में परिवर्तन हो जाता है, यानी ए को ए में और बड़ी ए को आय में और ओ को अव में और औ को आव में परिवर्तन हो जाते हैं, जिस तरह से ये शब्द दिए गए हैं। ने प्लस अन से नयन शब्द बन गया, जैसे इसमें ए प्लस ए बराबर अय हो गया ए में, और ने प्लस अक से नायक शब्द बन गया, ए प्लस ए के मेल से आय हो गया, आगे वो प्लस अन से भवन हो गया, और ओ प्लस ए
से अव हो गया और को प्लस अक से पावक शब्द बन गया। औ प्लस ए से आव हो गया। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन वर्ण या व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन या व्यंजन और स्वर यानी दोनों का जो मेल होता है व्यंजन और स्वर का उसको जो परिवर्तन हो जाता है उसमें उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जिस तरह से सत प्लस उपयोग से सदुपयोग हो गया, व्यंजन प्लस स्वर यानी दोनों इसमें स्वर हैं, ऊ से स्वर हो गया और उसमें से व्यंजन हो गया, दोनों को मेल से सदुपयोग शब्द बन गया। सत प्लस जन से सज्जन शब्द बन गया, इसमें दोनों व्यंजन हैं, सैवी व्यंजन है और जैवी व्यंजन शब्द है। कै व्यंजन और स्वर का मेल, दिक् प्लस अंबर से दिगंबर शब्द बन गया, जैसे कै प्लस ए से गय हो गया। बाघ प्लस ई से बागीश हो गए शब्द बन गया, कै ई से गी हो गया। तत् प्लस आकार से तदाकार शब्द बन गया, ते आ से दा बन गया। और व्यंजन खै में व्यंजन और व्यंजन का मेल यानी व्यंजन और व्यंजन दोनों को मिला करके ये शब्द बनाए हैं। उत् प्लस नति से उन्नति शब्द बन गया, ते प्लस ने से ने यानी आधा ने और पूरा ने उन्नति। चित प्लस मैं से चिन्मय शब्द बना, इसमें ते प्लस मैं से आधा ने और मैं शब्द बन गया, यानी आधा हाँ ने और मैं। सत प्लस जन सज्जन शब्द बन गया, त प्लस जय से जज यानी आधा जय और पूरा जय हुआ। उत प्लस उज्जवल से उज्जवल शब्द बन गया, तय प्लस जय से आधा जय और पूरा जय। उज्जवल से यानी दोनों जय आधे ही बन गए तय और जय के मिलान से। तत् प्लस लीन से तल्लीन शब्द बन गया, तय प्लस लय से आधा लय और पूरा लय बन गया। उत प्लस चारण से उच्चारण शब्द बन गया, तय प्लस जय से जय आधा और पूरा जय हो गया। उत प्लस लास से उल्लास शब्द बन गया, तय प्लस लय से लय और आधा लय और पूरा लय बन गया। सत प्लस चरित्र से सचित्र शब्द बन गया, तय प्लस चय और आधा चय और चय हो गया। विसर्ग संधि वो इस प्रकार है, विसर्ग का किसी स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जिस तरह से किसी स्वर और व्यंजन का जो मेल हो जाता है उसको जो परिवर्तन होता है उनसे दोनों के मिलान से उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह विसर्ग संधि हो गया और प्लस उपयोग दुरुपयोग हो गया यानी विसर्ग और स्वर का मेल हो गया। इसमें निह प्लस जन से निर्जन शब्द हो गया, विसर्ग और व्यंजन का मेल हो गया। इसमें मन प्लस जय से मनोज शब्द बन गया और मन प्लस विज्ञान से मनोविज्ञान शब्द बन गया। यश प्लस दा से यशोदा शब्द बन गया, निह प्लस आशा से निराशा शब्द बन गया, निह प्लस चय से निश्चय शब्द बन गया, दुह प्लस गंध से दुर्गंध शब्द बन गया और सर प्लस वर से सरोवर शब्द बन गया और सर प्लस जैसे सरोज शब्द बन गया, मने प्लस भाव से मनोभाव शब्द बन गया, नी प्लस बल से निर्बल शब्द बन गया और नमः प्लस ते से नमस्ते शब्द बन गया, नी प्लस उत्तर से निरुत्तर शब्द बन गया। अभ्यास में संधि करनी है, ये शब्द लिखे हुए संधि किए हुए उनके शब्द लिखने हैं। नमः प्लस ते से क्या हो गया, नमस्ते हो। बच्चों ये अभ्यास इस पाठ का मैं करा रही हूँ कि संधि कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कह है नमः प्लस ते से नमस्ते शब्द बन गया और खे में सूर्य प्लस उदय से सूर्योदय शब्द बन गया और गय का है हिम प्लस आले हिमालय शब्द बन गया और घे में मह मनह प्लस रंजन से मनोरंजन शब्द बन गया। और ये आपको अभ्यास में जिस तरह से मैंने इसमें बुक में लिखे हैं वैसे ही आपको कॉपी में करने हैं। आगे डे में सु प्लस आगा से स्वागत शब्द बन गया, चय में एक प्लस एक से एक एक शब्द बन गया और छ में ने प्लस अक से नायक शब्द बन गया, जय में बाघ प्लस ई से बागी शब्द बन गया और झ में धर्म प्लस आत्मा से धर्मात्मा शब्द बन गया और ने में रवि प्लस इंद्र से रविंद्र शब्द बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, संधि विच्छेद कीजिए, यानी जो स्वागत शब्द लिखा हुआ है कै में इसका संधि विच्छेद ये मैंने आगे लिखा हुआ है, सु प्लस आगत
स्वागत हो गया, दिनेश का दिन प्लस ईश हो गया, गुरु उपदेश का गुरु प्लस उपदेश हो गया, परोपकार का पर प्लस उपकार हो गया और नदीश का नदी प्लस ईश हो गया। सुरेंद्र की संधि विच्छेद सुर प्लस इंद्र हो गई और व्यूह का संधि विच्छेद बी प्लस ऊह हो गया और निराशा का निर प्लस आशा हो गया और न्यून का नी प्लस ऊन ऊन संधि विच्छेद हो गया और महर्षि का महा प्लस ऋषि हो गया संधि विच्छेद। तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध संधि के रूप के आगे सही का टिक निशान लगाएं, यानी जो सही संधि लिखी हुई है उसके आगे टिक का निशान लगाना है आपको। और पहले में कह में है निही प्लस बल से निर्बल हो गया, यानी निही प्लस बल जो संधि लिखी हुई है इसका सही राइट शब्द कौन सा है, ये सेकंड नंबर वाला है। और खे में सु प्लस अच्छ का सही शब्द सेकंड नंबर में राइट है, राइट का निशान लगा हुआ है। और गे में यद्यपि यदि प्लस अपि में यद्यपि शब्द बना हुआ है, और नहीं यदि प्लस अपि का सही राइट शब्द तीसरा वाला है यद्यपि, ये सही है। और घे में भो प्लस अन से भोवन शब्द बन गया, यानी सेकंड नंबर वाला राइट है। और डे में प्रति प्लस उपकार से थर्ड वाला राइट है, प्रति उपकार इसमें राइट का निशान लगा हुआ है। महा प्लस ऋषि से महर्षि, महा प्लस ऋषि से यानी सेकंड वाला राइट है, महर्षि शब्द सही लिखा हुआ है। और चौथे में भी शुद्ध संधि विच्छेद के आगे सही का चिन्ह लगाए, जैसे महेंद्र नाम लिखा हुआ है इसकी संधि सही कौन सी है, फर्स्ट वाली राइट है महा प्लस इंद्र। और खे में मनो मनोबल का संधि विच्छेद तीसरा वाला राइट है मन है प्लस बल। और सुधाकर के संधि विच्छेद इसकी संधि शुद्ध प्लस आकर यानी तीसरी वाली राइट है। और घे में विद्यार्थी की जो संधि है वो थर्ड वाली राइट है विद्या प्लस अर्थी। और बदुत्सव का की जो संधि है वो सेकंड वाली राइट है बदु प्लस उत्सव। और रमेश शब्द की जो संधि है वो थर्ड वाली राइट है यानी रमा प्लस ईश। और सदैव प्लस सदैव की जो संधि है वो पहली वाली राइट है यानी सदा प्लस एव। और ये आपको इसी तरह से कॉपी में करने हैं। और थैंक यू।